राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, जहां कल से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होने वाली है। पूरे प्रदेश में दो पालियों में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा की तैयारी को लेकर सीएम आवास पर बैठक हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और अब तक की परीक्षा की तैयारियों के बारे में सीएम ने अधिकारियों से जानकारी ली है, समीक्षा की है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर अफसरों से सीएम ने फीडबैक भी लिया है कि आखिर किस तरीके की वहां पर व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि अतिरिक्त सीसीटीवी भी यहां पर लगाए जाएंगे, ड्रोन कैमरा लगाने के भी निर्देश दिए गए और हर परीक्षा केंद्र के अंदर सुरक्षा अधिकारी की तैनाती भी होगी। बस स्टेशन हो, रेलवे मेट्रो स्टेशन हो या फिर टैक्सी स्टैंड हो, सभी पर पुलिस की मुस्तैदी रहने वाली है। परीक्षा केंद्र के आसपास साइबर कैफे वालों पर पुलिस की पैनी नजर भी होने वाली है। 26 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं ने इसका आवेदन किया है। सिपाही भर्ती में सबसे ज्यादा बिहार के युवाओं ने आवेदन किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक के युवाओं ने आवेदन दिया है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ से भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अभ्यर्थियों को फ्री बस सेवा की सुविधा भी मिलने वाली है। तो कल से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू होने वाली है। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित की जानी है। आपको बता दें कि लखनऊ में 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के कुल 48,17,441 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले परीक्षार्थी का आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा। तो वही न्यू स्टेट संवाददाता ने डीसीपी हेडक्वार्टर आरएन सिंह से बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के लिए ही पुलिस की लिखित परीक्षा किसी चेतावनी से कम नहीं है, किसी चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये एग्जाम पहले लीक हो चुका था और अब दोबारा हो रहा है। दोबारा ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है जहां पर उसके लिए सबसे बड़ी साख की बात है कि किसी तरीके से एग्जाम लीक ना हो, और लीक ना हो इसके लिए सरकार ने, पुलिस ने क्या व्यवस्था की है। हमारे साथ डीसीपी हेडक्वार्टर आर्यन सिंह साहब हैं। सर, आप नोडल अफसर भी हैं, किस तरीके की ये चैलेंज है आपके लिए, किस तरीके की व्यवस्था की है? देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती पुनः परीक्षा जो कि 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त की तिथियों में उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही है, ये हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए प्रतिष्ठा की परीक्षा है। और सबसे उचित, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस को उसकी आगामी पीढ़ी, आगामी जिम्मेदार सिपाही प्राप्त होंगे, इसलिए भी इसकी शुचिता और इसको त्रुटिपूर्ण रहित संपन्न कराना यह हम लोगों की प्राइमरी जिम्मेदारी है। ये पूरी परीक्षा की गंभीरता इस बात से लगाई जा सकती है कि इस परीक्षा में गड़बड़ी करने पर कोई भी, जो भी गड़बड़ी करते हुए पाया जाएगा उसको आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माना का सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है। और वास्तव में ये परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बहुत ही संजीदा तरीके से, बहुत गंभीरता के साथ संपन्न कराई जा रही है। धन्यवाद आर्यन सिंह साहब, जो कि डीसीपी है, हेडक्वार्टर है और एक नोडल अफसर के तौर पे पूरे समय इस एग्जाम को देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर 3 लेयर की सुरक्षा है तो सरकार की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से चेतावनी भी है कि अगर कोई पकड़ा गया तो 1 करोड़ का जुर्माना और उम्र कैद की सजा तक भी है। और किसी भी कीमत पर इस एग्जाम को हर तरीके से बेहतर कराने की कोशिश है, और अगर कोई इसमें पकड़ा जाएगा तो उन्हें इन सख्त नियमों के तहत जेल भी डाला जाएगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो वहीं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित होनी है और परीक्षा के लिए उन्नाव में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्रों पर 30,000 से अधिक परीक्षार्थी अपने भाग्य का फैसला करेंगे, इबादत लिखेंगे। पुलिस परीक्षा नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने की बड़ी चुनौती शासन से लेकर जिला प्रशासन तक की है। ऐसे में परीक्षार्थियों को 3 लेयर की सघन तलाशी अभियान से होकर गुजरना होगा। कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्र की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। तो इसके अलावा 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 9 स्टैटिक मजिस्ट्रेट केंद्रों की पहरेदारी भी करेंगे। डीएम और एसपी की सीधी तौर पर लापरवाही पर जिम्मेदारी तय कर दी गई। जैसे कि आप सभी को पता है, पुलिस भर्ती की परीक्षा 23 तारीख से प्रारंभ होगी। इसमें हमारे जो सेंटर्स हैं उन सभी का परीक्षण कर लिया गया जिलाधिकारी महोदय द्वारा और पुलिस बल के द्वारा। सभी जगह बहुत सख्त ड्यूटियां लगाई गई हैं और इसके अतिरिक्त
जो अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो इसके लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जो अन्य आवागमन के स्थान है वहां पर भी ड्यूटी लगाई गई है। एग्जाम जब होगा वहां राजपत्रित अधिकारियों सीओ और एसडीएम की भी ड्यूटी लगाई गई, सभी निरंतर भ्रमणशील रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 23 तारीख से 31 तारीख तक चलेगी, जिसके लिए उन्नाव में भी 9 इंटर कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार परीक्षार्थियों को 3 लेयर की जांच से गुजरना होगा। सबसे पहले उसका आधार कार्ड का सत्यापन होगा, आधार कार्ड मैच होने पर उसको गेट पर एंट्री दी जाएगी, उसके बाद उसको और 2 चक्रों में जांच होगी, जिसके बाद वो परीक्षा तक पहुंचेगा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र वहां पर एसटीएफ का भी पहरा रहेगा, पुलिस बल के साथ ही एलआईयू को भी सक्रिय किया गया। इसके अलावा बाकायदे टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मौके सेंटर के आसपास दिखाई देता है तो उसकी जानकारी उस नंबर पर दी जा सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो प्रशासनिक है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की अभेद सुरक्षा व्यवस्था है, क्या उसको कोई भी शालवर या कमुन्ना भाई भेद पाएगा। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। तो असम सरकार विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल पेश कर